अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम प्राइम प्रो को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने ऐसा एरर आ जाता है। ये एरर क्यों आता है और इसका क्या समाधान है, इन सब के बारे में जानेंगे। चलते हैं स्क्रीन की ओर। जब आप प्राइम प्रो को ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा एरर शो हो जाता है, पर एडोब प्राइम प्रो सिस्टम क्वालिटी रिपोर्ट का एरर आ जाता है और यहाँ पर नीचे जो हमारे एक सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वह शो हो जाता है। जैसे मेरे सिस्टम में लगा हुआ है एनवीडिया जीफोर्स जीटी 610। सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम ग्राफिक कार्ड की वजह से आती है। इसके प्रमुख दो कारण होते हैं। एक तो पहला कारण ये होता है कि जो आपका ग्राफिक कार्ड है वह अपडेट ना हो। आपका ग्राफिक कार्ड अपडेट नहीं है तो इसे फिक्स करके अपडेट कर लें। ये आप मैनुअल भी अपडेट कर सकते हैं, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो इसका दूसरा कारण है वह सबसे प्रमुख है, अधिकतर उसी की वजह से ये एरर आता है। जो इसका प्रमुख कारण है वह है कि आपका ग्राफिक कार्ड का ओल्ड वर्जन का होना और प्राइम प्रो का न्यू वर्जन का होना। इस कारण एडोब प्राइम प्रो इस ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट नहीं कर पाता है। और अगर आपका सिस्टम बहुत ही ओल्ड वर्जन का है, न्यू वर्जन के ग्राफिक कार्ड लगाने में भी समस्या आती है और रेंडरिंग में भी समस्या आती है। अगर आपको इसको चलाना है तो आप इसे इग्नोर करके भी कंटिन्यू विथ नो इशू पर क्लिक करके रन कर सकते हैं। प्राइम प्रो रन हो जाएगा। इस तरह आप प्राइम प्रो को यूज कर सकते हैं। जो ऊपर एरर आ रहा है इस एरर को इग्नोर कर दें। इस तरह यूज करने से आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि इस एरर को खत्म कर दिया जाए तो इसके लिए आपको एडिट में जाना है और इसके अंदर प्रेफरेंस में जाना है, प्रेफरेंस में जनरल में जाना है। जब ऐसी स्क्रीन आ जाए तो आपको जनरल में के अंदर सबसे नीचे शो सेटअप कम्युनिटी इशू सेटअप पर क्लिक होगा, इसको अनक्लिक कर देना है और ओके कर देना है। इसके बाद आपको कंट्रोल F12 क्लिक करना है और यहाँ पर डिबू डाटा व्यू है इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखकर सर्च मारना है। इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे ऊपर ट्रू लगा हुआ है, इसको टिक मार्क हटा देना है। इससे ये ग्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे क्रॉस कर देना है। दोबारा इसे बंद करके चालू करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारे सामने एरर आ रहा था वह एरर भी नहीं आया और ये स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।